तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास से आतिशी मारलेना का नाम आम आदमी पार्टी ने सामने रख दिया है। आतिशी मारलेना होंगी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल के बाद अगर कोई सत्ता पर काबिज होगा तो वो आतिशी मारलेना होंगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री आवास पर हम मौजूद है और अब आप सोच लीजिए कि यहाँ पर इस वक्त हलचल का आलम क्या है। आतिशी मारलेना, जिनसे कल भी पूछा गया कि क्या आप दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, उन्होंने कहा कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुख्यमंत्री होगा, फर्क जरूरी ये है कि अरविंद केजरीवाल के काम को आगे बढ़ाते रहे। मैं आपको बता दूं इस वक्त की बड़ी खबर, आतिशी मारलेना जिन्हें दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शुरुआत से वो पार्टी से जुड़ी रही है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो जिन दो चेहरों पर भरोसा जताया उनमें सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना थी। एक साथ 13 मंत्रालय संभालना ये कोई छोटा काम नहीं है, लेकिन आतिशी मारलेना की ने पिछले कुछ समय में जिस तरह की एक प्रशासनिक समझ भी दिखाई है दिल्ली में, दिल्ली की सरकार को चलाने में, क्योंकि कई मंत्रालय वो संभाल रही हैं। इस बीच बड़ा बड़ा ऐलान कि आतिशी मारलेना दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। हम कल से ये बता रहे हैं आपको, जब से अरविंद केजरीवाल ने नाम का ऐलान किया है, इस बात का ऐलान किया है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे, तब से ये कयास लगा रहे थे और हम आपको बता भी रहे थे कि आतिशी मारलेना फ्रंट रनर है, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि आतिशी मारलेना पर एक तरह से भरोसा जता चुके हैं, अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतिशी मारलेना का नाम दिल्ली आम आदमी पार्टी ने तय कर दिया है। आतिशी मारलेना दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। आतिशी जिन्होंने कार्यभार संभाला जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल के खत पढ़ना मीडिया में आकर, आम आदमी पार्टी की की एक तरह से पक्ष रखना मीडिया में आकर, ये सब आतिशी सफलतापूर्वक करती रही हैं, और इसीलिए आतिशी मारलेना के नाम पर मोहर लगी है। आम आदमी पार्टी, खुद आतिशी मारलेना और आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेता ये कहते रहे कि जो भी कुर्सी पर बैठेगा वो अरविंद केजरीवाल के काम को ही आगे बढ़ाएगा, और इस वक्त भी आतिशी मारलेना यही करती हुई नजर आ रही है। कल आपको याद होगा अलग अलग विधायकों से 1-to-1 बैठक की है, मंत्रियों से 1-to-1 बैठक की अरविंद केजरीवाल ने, जिसमें उन्होंने उनसे राय मांगी कि कौन सा वो चेहरा है जिस पर एक आम सहमति बने, एक आम राय बने, और उसमें अब आतिशी मारलेना का नाम सामने आ गया है। तो आप सोचिए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक बार फिर से एक महिला बनने वाली है। शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, कुछ समय के लिए सुषमा स्वराज रही, और अब एक तीसरी बार कोई महिला मुख्यमंत्री, वो होंगी आतिशी मारलेना। यानी आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी के जो सीनियर नेतृत्व है उसने आतिशी मारलेना पर भरोसा जताया है। आप सोच लीजिए यहाँ पर जो मीडिया का एक जमघट लगा हुआ है, थोड़ी देर में उम्मीद की जा रही है कि जो बड़े नेता हैं, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के सदस्य हैं, वो बाहर आकर मीडिया को संबोधित करेंगे, लेकिन नाम का ऐलान कर दिया गया है, आतिशी मारलेना होंगी अगली मुख्यमंत्री दिल्ली की। आप इसे समझ लीजिए कि इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद चेहरा अगर कोई है तो वो आतिशी मारलेना है, और ये साफ हो गया, ये सिद्ध हो गया इस बात से। और न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि जो आम आदमी पार्टी का जो सीनियर नेतृत्व है उसके भरोसे का एक चेहरा आतिशी मारलेना बनकर उभरी है। आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे उस समय कई मंत्रालय एक साल संभालने वाली आतिशी मारलेना, जब मनीष सिसोदिया जेल गए, उसके बाद संजय सिंह, फिर अरविंद केजरीवाल, ऐसे इस क्रम में आम आदमी पार्टी का एक तरह से जो झंडा बरदार रही वो आतिशी मारलेना रही। मीडिया से बात करना हो, अरविंद केजरीवाल का जेल से पक्ष रखना हो, ये सब आतिशी ने किया है, और अब एक बार फिर से वो आम आदमी पार्टी का उसी तरह का नेतृत्व करेंगी, अरविंद केजरीवाल के भरोसे के साथ करेंगी, उनकी मोहर के साथ करेंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा देने जा रहे हैं। दोपहर 4:30 बजे का टाइम है जब वो एलजी से मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये आप मान लीजिए कि विधायकों का हस्ताक्षर वाली चिट्ठी तैयार होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास जो मैंडेट है विधायकों की, एक चिट्ठी लेकर ही अरविंद केजरीवाल एलजी से मुलाकात करने जाएंगे, जहां वो उनको चिट्ठी देंगे और ये बताएंगे कि दिल्ली ने, विधायक दल ने अपना नेता आतिशी मारलेना को चुना है और उन्हें दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो एलजी से मुलाकात से पहले ये जो पूरी तैयारी है ये कर ली जाएगी, और उसके बाद वो मिलने जाएंगे एलजी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, आतिशी मारलेना का नाम तय हो गया है। आतिशी मारलेना, आपको याद होगा, सबसे पहले उन्हें गौतम गंभीर के खिलाफ उतारा गया था चुनाव में दिल्ली के, जब वो चुनाव हार गई थी, लेकिन अगली बार 2019 में जब उन्हें चुनाव में उतारा गया तो वो चुनाव सीट जीती, और उसके बाद से वो प्रशासनिक
स्तर पर आम आदमी पार्टी में एक्टिव है। पहले तो वो पार्टी के स्थापना से लेकर अब तक का सफर आतिशी मार्लेना ने आम आदमी पार्टी के साथ तय किया है, लेकिन जब से वो विधायक के रूप में चुनी गई, उसके बाद उन्हें मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, तब से आम आदमी पार्टी के प्रशासनिक स्तर पर भी वो एक तरह से एक्टिव रही हैं, और जिस तरह से की भूमिका उन्होंने अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से निभाई, तब से उनके इस रोल को सराहा गया और एक तरह से भरोसा भी उन्होंने हासिल किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं का, उनके विधायकों का, और इसीलिए अब जो चेहरा बनकर उभरी है वो आतिशी मार्लेना है। मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने खड़े हुए हैं। एक बार फिर आपको दिखा देती हूँ मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो एक भीड़ लगी हुई है मीडिया कर्मियों की, क्योंकि कुछ देर बाद वहां से ऐसा संभव है कि कोई जो सीनियर लीडरशिप है उनके कोई चेहरे बाहर आए और मीडिया को संबोधित करें। आतिशी मार्लेना से कल पूछा गया था क्या आप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी, उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी चेहरा हो, काम हम वही करेंगे जो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं और दिल्ली की जनता के लिए चाहते हैं। तो अब आप सोच लीजिए, अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए हैं उनके अलावा नेतृत्व का कोई चेहरा दिल्ली ने नहीं देखा है, तो ये इतने सालों में पहली बार होगा कि आम आदमी पार्टी का कोई और चेहरा नेतृत्व करेगा पार्टी का दिल्ली में, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गाइडेंस में, अरविंद केजरीवाल की मोहर के साथ, उनके साथ के साथ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इसके बाद हरियाणा का प्रचार और फिर से दिल्ली के प्रचार में जुटेंगे। देखिए ये भी समझना जरूरी है कि दिल्ली का चुनाव अब जब होगा तो वो पहली बार होगा जब अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगे, उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनके बाद होगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली का चुनाव हरियाणा से कई मायनों में ज्यादा अहम हो जाता है, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल उस सक्रियता को निभाना चाहते हैं जो चुनाव प्रचार में उनके लिए जरूरी है। लेकिन दिल्ली का, और देखिए आतिशी मार्लेना के लिए कहा जाता है कि जो प्रशासनिक रूप से एक जो तंत्र को साथ लेकर चलने में भी उनकी खूबी रही है, काम करवाने में उनकी खूबी रही है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ भी काम करके वो साथ मिलकर काम कर लेती हैं, तो ये सब उनके फेवर में गया है, बहुत से लोग ये उनके बारे में कहते हैं। तो ऐसे में न सिर्फ उनके जो विधायक साथी हैं उनका साथ मिलना, सीनियर नेतृत्व का साथ मिलना, अरविंद केजरीवाल की तो मोहर सबसे जरूरी है वो भी थी, साथ ही उनका जो प्रशासनिक काम है उसकी भी एक तरह से सराहना होती रही है, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल के भरोसे का चेहरा आतिशी मार्लेना बनकर उभरी है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है हम आपको सीएम आवास से बता रहे हैं, दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री, आपको बताऊं एक बार फिर दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिल रही है आतिशी मार्लेना के रूप में, क्योंकि दिल्ली ने एक लंबा शासन देखा है शीला दीक्षित का, उसके बाद कुछ समय का, कुछ दिन का एक शासन